जल लेने के बाद जो है तो ही अपने को लाइन लगना पड़ेगा यहाँ से। आपको हमेशा ऐसी मतलब भीड़ देखने को मिलेगा? फोन मतलब मेरा छीन लिए थे फोन, मतलब शायद हे गाइस नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और मुझे ना दोबारा इंट्रो करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं घर में इंट्रो कर चुका था, फिर अगेन मैं यहाँ से इंट्रो कर रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट में इंट्रो किया था उसमें जो है साउंड का कुछ 19-20 हो गया था, तो मुझे अगेन अभी इंट्रो करना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं, वैसे आप सभी का ख्वाहिश होगा 12 शिवलिंग के दर्शन करने का, तो मैं उसमें से आपको मैं एक झारखंड में बाबा बैजनाथ धाम है वहाँ भी एक मतलब वहाँ के आपको जो है बाबा बैजनाथ जी शिवलिंग के वहाँ के दर्शन कराने वाला हूँ। वैसे मैं जब 12th में था तो 12th में आ चुका था फैमिली वाले के साथ, अभी भी हूँ फैमिली वाले के साथ, तो सोचा चलो मैं आपको भी मैं भी अपने साथ साथ में दर्शन करते करते आपको भी घर बैठे दर्शन कराता हूँ और ब्लॉग भी बना देता हूँ। तो बस अभी पेट्रोल पंप में रुके हुए हैं और यहाँ से कुछ भी नाश्ता उस्ता करने के बाद हम देन निकलेंगे। वैसे हम झारखंड में पहुँच गए लगभग, और झारखंड में ये देवघर में पहुँच गए, तो कुछ तो अभी 10-15 मिनट हम लोग निकलने वाले हैं, तो फिर जो भी होगा आगे का अपडेट हम सीधा आपको वहीं मिलेंगे देव मंदिर के पास। A few moments later. तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूं रूम में, और अभी हम लोग रूम लिए थे, रूम में क्या है जो अपना जो बैग वग है सब बैग रख दिए, और अभी हम लोग जाने वाले गंग जो स्नान करने जो करेंगे, फिर जो जल लेंगे वो जल को हम लोग चढ़ाएंगे शिवलिंग में। तो जो भी अपना बैग रख दिए लॉज है, और यहाँ पर इसका कुछ रेट आप लोग को फैमिली के साथ आओगे तो आपको थोड़ा कुछ सस्ता पड़ेगा, अगर सिंगल और फ्रेंड्स लोग के साथ आओगे तो थोड़ा बहुत जो है 19-20 का जो रेट है। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं मंदिर की ओर और रूम के भी बाहर हम लोग आ गए हैं। जस्ट अगर आप लोग को एटीएम का भी अगर कुछ सुविधा होगा तो जस्ट यहीं पास ही में एटीएम भी है, एसबीआई का थोड़ा ज़्यादा एटीएम है। तो यहाँ पर था अपना रूम, तो यहीं पर अपना जो है बैग वैग सब रख दिए हैं, और यहाँ से भी कुछ मेन रोड वाला रास्ता ये, और जस्ट बगल में एटीएम, और अपने को इधर से अगर लेफ्ट लोगे तो लेफ्ट में यहाँ पर जो मंदिर जाने का रास्ता ये पड़ेगा मार्ग। तो अपने बस चलते जा रहे ऑलमोस्ट यहाँ पर, अगर आप लोग पैदल नहीं चल पाओगे तो यहाँ पर जो ऑटो भी चलते हैं, अब ऑटो भी लेके मतलब मंदिर तक जा सकते हो। तो फिलहाल तो हम लोग भी पैदल ही जा रहे हैं, और ये जो रोड है काफ़ी ऊँचाव में रोड है, और अभी लगभग अभी टाइम हो रहे हैं 10, तो अभी सभी जो आपको दुकान या शॉप दिख रहे सभी बंद है अभी, मतलब अपने अपने टाइम में खुलेंगे। तो जैसे कि मैं शुरू में बोला था जो ऑटो या रिक्शा, तो ये रिक्शा भी अभी चालू है, अवेलेबल है, जो ना चल पाए 1.5 किलोमीटर भी, तो ये सब है। और यहाँ पर भी आपको दिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो रूम मिल जाएगा। तो अपन चल रहे हैं 1.5 किलोमीटर, और ये है मंदिर जाने का लगभग 500 मीटर और बचा है। और से चलोगे आप चलते रहोगे तो पता नहीं चलेगा कब मंदिर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर जो धीरे धीरे जो शॉप है यहाँ, जो प्रसाद नहीं चाय नाश्ता पानी ये सब का जो है स्टॉल लगे हुए हैं। इधर पास भी है चाय, यहाँ पर चाय काफ़ी फेमस है। और जैसे कि आप लोग कब ड्रेस रहता है जो ड्रेस भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चल रहे हैं बस हम लोग अभी, और जो सब लोग है दर्शन करके आ रहे हैं। और आपको यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको यहाँ पर खाली नहीं मिलेगा मंदिर, आपको यहाँ पर आप आओगे तो हमेशा यहाँ पर जो क्राउड है काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहेगा भीड़ रहेगा, जो हर दिन हर साल मतलब, तो आप यहाँ भीड़ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो सावन का जो महीना है, सावन महीने में तो यहाँ पर पैर रखने का भी जगह नहीं, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है। अभी तो आपको थोड़ा बहुत खाली दिख रहा है, हम लोग अगर मंदिर में और जाते रहेंगे तो और भी ज़्यादा लोग जो है दर्शन करने आएंगे और भीड़ भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पर बोर्ड लिख दिया है बाबा बैजनाथ धाम मंदिर पहुँच गए हैं, और शिव गंगा जो जिसमें हम स्नान करने वाले हैं, तो ये बोर्ड लग गया है। और ये है जो आप पीछे देखोगे जो मेन गेट, वो वहाँ से एंट्री हम लोग यहाँ से करने हैं। और यहाँ पर भाई अब कुछ अगर आपको फ्रेश होना है तो आप यहाँ पर जा सकते हो, बाकी जो स्नान कर रहे इधर भी। और यहाँ पर से हम लोग सीधा जा रहे हैं, और जस्ट आपको मेरे लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर है कुंड, जो जैसे कि मैं बात किया था शिव गंगा, तो अपन इसी में स्नान करने वाले। और बहुत लोग जो है जिसका मन्नत रहता है जैसे मुंडन होने का, या फिर कुछ भी मतलब जैसे मन्नत रहता है उस टाइप के, जो स्नान करने के बाद जो ऐसे पूरा होता है, तो इस टाइप का कुछ रीति है, तो यहाँ पर सब करते हैं फॉलो। और यहाँ से हम लोग और लगभग 500 मीटर पड़ेगा जहाँ की हम लोग जो मंदिर पड़ेगा, तो पहले तो हम लोग कहीं और यहाँ पर रुकना पड़ेगा, फिर हम लोग इधर स्नान करेंगे। तो चलते जा रहे हैं
और जैसे यहाँ पर अच्छा एक चीज़ है कि शॉप लगा हुआ है, और यहाँ पर भाई आपको जो है अदर शॉप से, जैसे आप जहाँ रहते हो वहाँ से जो यहाँ पर हमेशा आपको 10 या 20% एक्स्ट्रा आपको सामान मिलेगा ही। तेल जैसे आप यहाँ घर तक हो तो यहाँ पर तेल कुछ और मिलेगा, जो कि यहाँ पर जो है दुकान वाले लोग फ़ायदा उठाते हैं, जहाँ जानते हैं भूल ही जाएंगे। और बाकी जो दर्शन करने से पहले सब स्नान कर रहे हो, गाड़ी यहाँ पर पूजा हो रहा है, सब फैमिली वाले के साथ हैं यार, बस देख रहे हैं यार काफ़ी अच्छा। मैं 2 साल 3 साल हो गए, 3 साल में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो गया मंदिर ये। तो यहाँ पर तो भाई भीड़, जैसे कि मैं बात किया था, भीड़ और भी बढ़ी रहा है, और अभी स्नान भी करना है अपने को। भीड़ यहाँ से आपको जो है मिलेगा ही भाई, यहाँ जो पूरे अधिकतर यहाँ पर जो है टूरिस्ट लोग भी आते हैं, बट अधिकतर यहाँ पर तो अभी मेरे अभी तक देखने को मिला है, अभी पूरे फैमिली वाले आए हैं, फैमिली वाले या फिर ऐसे दो दोस्त यार उतने टाइप के तो नहीं है, वो भी आते रहते हैं, वो भी मेरे जैसे कोई ब्लॉगिंग करने आ गया या फिर कुछ इस टाइप के, और टूरिस्ट टाइप के भी आते हैं अदर। तो यहाँ से अपने को जाने का मंदिर, वहाँ जो आपको पहले दिखाया था, और यहाँ पर जो आपको मार्केट पड़ेगा, ड्रेस व्रेस ले सकते हो आप यहाँ से, तो यहाँ से जाना है मंदिर। और यहाँ पर जो छठ पूजा है, छठ पूजा भी जो ये तालाब में शायद हुआ होगा, तो लिखा भी है छठ पूजा का। तो यहाँ पर आपको खाना का भी अवेलेबल है लगभग यहाँ पर, अब बाद में बताएंगे कि यहाँ का प्राइस क्या है, अगर आपको भी खाना खाना है तो ऐसे भर पेट तो लिखा है। और यहाँ पर भी जो है भवन आपको मिल जाएगा, और ये जो जल है, ये जल हम लोग को खरीद के वहाँ पर पूजा करके फिर देन वहाँ मंदिर में जो चढ़ाते हैं, जो हम लोग जो नहाएंगे वो जल को नहीं लेना है, हम लोग जो बाहर में जो पंडित जी जो जल देते हैं उसको जल चढ़ाना है। हम लोग तो सिर्फ ये जो अपन गंगा जो है कुंड में, इसमें बस स्नान करना है, स्नान करने के बाद फिर यहाँ से कोई जो जल लेके जाना है मंदिर में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर रूम। तो फ्रेंड्स अभी का कुछ ऐसा सीन हुआ है कि फ्रेंड्स हम लोग ये एक और जो है हम लोग को रूम लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि जो आप शुरू में देखे थे वो उसमें हम लोग पूरा हर चीज़ सामान रखे थे जो लेके आए थे, बट हम लोग को क्या है, हम लोग को स्नान करना है ना, स्नान करने के बाद फिर देन हम लोग को मंदिर जाना है, जो जल चढ़ाना है यहाँ से, जो जल चढ़ा के जल लेके हम लोग को मंदिर जाना है। तो उसके लिए क्या हम लोग के साथ में क्या है, लेडीज़ लोग भी है, मतलब मम्मी भाभी चाची चाची लोग जो भी है, तो अब भाई तो है तो उन लोग को तो एक तो रूम चाहिए चाहिए, तो इसलिए हम लोग को क्या अभी रूम लेना पड़ा। तो अभी हम लोग क्या स्नान करना है यहाँ पर, और स्नान करने के बाद फिर यहाँ से जल चढ़ा के फिर मंदिर जाना है। तो आपको यहाँ से एक बार और जो है बाहर से मैं आपको व्यू दिखा दे भी दिया हूँ, तो काफ़ी प्यारा नज़ारा है, दिख रहा हो यार, काफ़ी प्यारा लग रहा है वहाँ पर। तो और जब सावन चढ़ता तो आपको सावन में तो और भी ज़्यादा पैर रखने का जगह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है माहौल। तो ये हम लोग ये जो जहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ हम लोग का रूम है, तो यहाँ पर अपन कपड़ा उपड़ा जो भी चेंज वेंज करेंगे, फिर यहाँ पर जो है हम लोग स्नान करेंगे। तो एक कैसे टाइप का रूम मिलेगा, तो इसी में आप सब कुछ आप सामान उमान रख सकते हो। अभी सभी जगह जैसे आप ये दिख रहे होगा, सभी सभी के रूम अगल बगल में भी सेम टू सेम आपको ऐसी दिखेगा रूम, जो कि चार्जेस है मेरे ख्याल से 1 आवर का कुछ है, हम लोग कुछ आवर का लिए तो आवर से कुछ रेट अलग होता है, बाकी आप लोग का जो दिन रहता है उस हिसाब से जो रेट आपको अलग अलग प्राइस से आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब हो गए, अब अपन खोल दिया अपन कपड़े उतने, अब जाना है स्नान करने, और तो क्या है कॉइन लेके जो अंदर मतलब कॉइन डालना है फिर स्नान करना है, जाते हैं अब, देखते गहरा भी पता चल जाएगा कितना गहरा है। फ्रेंड्स तो हमारा स्नान हो गया है, और स्नान जैसे कि मैं शुरू में थोड़ा देर पहले बोला था कि हम लोग लिए थे एक और अलग से रूम, जो कि हम लोगों को कपड़ा उपड़ा चेंज करने के लिए, वो काफ़ी अच्छा काम आया। तो अभी का कुछ ऐसा जल लेना है, जल लेने के बाद हम लोग को जाना है और जल चढ़ा के, मतलब जो जल लेके मंदिर जाना है, फिर शिवलिंग में चढ़ाएंगे। तो काफ़ी बस था, और काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ का पानी नॉर्मल, ये ठंड अभी फ़िलहाल जो है ठंड आ गया है, बट उतना भी जो स्नान करने में इतना ज़्यादा ठंड नहीं लगा।
तो जल उल ले लिया, फिर जल जो अपन हम लोग जल को उसको पूजा भी करते हैं, पूजा करने के बाद फिर हम लोग मंदिर में जाएंगे। तो बाकी का अपडेट आपको सीधा मंदिर में मिलता हो। काफ़ी ज़्यादा और जो भीड़ है, भीड़ तो हम हमेशा भीड़ ही रहती ही है भाई, आपको जो है आपको खाली नहीं मिलेगा ये। फ्रेंड्स तो हम लोग निकल गए हैं मंदिर की ओर में, और जस्ट ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं है, और क्या ही बोले, रास्ता ज़्यादा बड़ा नहीं है, और बीच में देखो गाड़ी घुस जाता है। अब भाई जब दर्शन करने आ रहे हो तो इतना भी ये मत करो कि हम लोग पूरा हर चीज़ सुविधा में जाए और दर्शन करें, तो ये तो गलत बात है यार। अब इतना आप गाड़ी से आगे और भी अब मंदिर तक भी जाओगे गाड़ी तक, तो ये गलत बात है। फिर इससे बढ़िया कोई मतलब ही नहीं आने का दर्शन करने का, अब क्या ही बोले, छोड़ो। तो अब एक चीज़ और फ्रेंड्स, यहाँ पर मंदिर जाने के आप रास्ते में जाओगे तो अगल बगल आपको शॉप देखने को मिलेगा जो यहाँ का फेमस बोलते पेड़ा, आपको यहाँ पर अगर आओगे तो पेड़ा आप खाए बिना आप जाओगे नहीं। तो हम लोग पहले दर्शन कर लेते, फिर दर्शन करने के बाद आपको यहाँ की जो पेड़ा है उनके बारे में आपको अलग से बताऊँगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है शॉप लगे, स्टॉल लगे, जो मतलब जो माला है इस टाइप के, मिठाई दुकान है, और यहाँ तो अधिकतर आपको मिठाई दुकान ही मिलेंगे क्योंकि ये फेमस यहाँ का पेड़ा ही है। और बगल में जो चूड़ा बोलते हैं, जो चूड़ा भी ले जाते हैं, और यहाँ पर जो है प्रसाद, अगर आपको प्रसाद लेना है तो यहाँ प्रसाद भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो बेलपत्र है बेलपत्र भी मिल जाएगा, जो जल है जल भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हम पहुँच गए हैं जो गेट है, ये गेट गेट के उस पार है जो मंदिर आ जाएगा। तो चलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार, भीड़ तो आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और एनो टाइम भीड़ रहता है, और सावन में तो भाई पैर रखने का जगह नहीं है, वहीं से जो मेन गेट से आपको लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलते हैं, वाह। तो ये अपन आ गए हैं बाबा बैजनाथ धाम जी के मंदिर के द्वार के पास, फाइनली पहुंच गए यार मंदिर। तो चलो चलते हैं दर्शन करते हैं, अब देखो भाई दर्शन करने को भी मिलता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन है, और पहले तो सबसे पहले लंबा लाइन लगना पड़ेगा अपने को। अब लाइन कितना देर में हम लोग दर्शन करते हैं वो मुझे पता नहीं। तो ये यहाँ बस आपको हर देखने सभी भगवान के आपको मंदिर मिलेंगे, शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी और सरस्वती माता, कार्तिक जी, यहाँ पर सभी के जो है मंदिर है। तो यहाँ पर आपको देखा होगा ये पार्वती माता जी का मंदिर है, जो यहाँ पर जो यहाँ जो मन्नत रहता है, जो धागा दिख रहा होगा ये धागा बांधते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ चार्जेस रहता है धागा का, जो मीटर रहता है मीटर के हिसाब से कुछ भी सब इस टाइप को जो भी बात करते हैं। और ये है बाबा बैजनाथ धाम मंदिर, जो कि हम लोग यहाँ जल चढ़ाने वाले, और इधर पास है बहुत सारे मंदिर, गणेश जी, पार्वती माता उस बगल में, और इधर पास कार्तिक जी, सभी मतलब सभी मंदिर यहाँ पे पहले यहाँ पर। फ्रेंड्स तो हमने जल ले लिया है, और जल लेने के बाद जो है यहाँ पर जो है बैजनाथ धाम जो ये दिख रहा होगा शिव जी का मंदिर, तो यहाँ पर हमने को जल चढ़ाना है, और लाइन देखते हैं कितना लंबा लाइन है। मेरे ख्याल से लगभग लाइन तो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, ये तो बहुत पहले बहुत ज़्यादा लंबा लाइन था। तो यहाँ पर जो है आप पंडित जी के थ्रू आपको यहाँ पर जो है बाहर जो पंडित जी आप मिलेंगे उनके थ्रू आप पर्सनल जो है पूजा भी कर सकते हो। तो ये अपने को लाइन लगना पड़ेगा यहाँ से। लाइन तो लंबा लाइन है भाई, लगना तो पड़ेगा इतना लंबा लाइन। कहाँ से चढ़ना पड़ेगा अपने को लाइन? फ्रेंड्स तो हम लोग को लाइन लगने के लिए भी कम से कम 400 मीटर पैदल चलना पड़ा यहाँ से, मतलब यहाँ से जो हम लोग को चढ़ना है, और देखो ये ऊपर दिख रहा होगा यहाँ से हम लोग को जो एंट्री है 400 मीटर तक लंबा लाइन, समझ सकते हो इतना टाइम लगेगा। अभी तो फिलहाल आपको थोड़ा बहुत जो 100 मीटर खाली है, फिर जो असली खेल है अंदर में भीड़ है काफ़ी ज़्यादा। अभी सावन में तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ होगा सावन में, ये पूरा यहाँ तक पूरा भीड़ रहता है। तो चलते हैं, कितना टाइम लगता है अभी? लगभग टाइम हो गए होंगे मेरे ख्याल से 12:30 बज गए, अब देखो कब तक पहुँचते हैं।
से लगेगा टाइम अब। फ्रेंड्स तो लगभग मेरे को 2.5 घंटा लग गया यहाँ तक आने का सफ़र, मतलब यहाँ तक आने मंदिर तक पहुँचने में। और मंदिर में जस्ट मैं पहुँच गया हूँ और अभी मैं माइक का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं बोल रहा था उसमें आपको सुनाई नहीं देगा, इसलिए मुझे माइक का यूज़ करना पड़ रहा है। और इतना ज़्यादा भीड़ है, आप देख ही रहो, तो लाइन में लगने से 2.5 घंटा लग गया। और ये जो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से हम लोग को एंट्री करना है जो दर्शन करेंगे। और यहाँ पर तो मुझे पुलिस वाले ने पकड़ भी लिया था, कुछ देर में आपको बता दूंगा। तो चलो हम साथ मिलकर दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका मन में डाउट होगा कि आपने सीधा यहाँ पर क्यों स्टार्ट करा है। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, बहुत लंबी कहानी है और बहुत ज़्यादा मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, क्योंकि मैं जब फ्रेंड्स क्योंकि वहाँ पर जो है फ़ोन मतलब मेरा छीन लिए थे फ़ोन, मतलब शायद अलाउ है कि नहीं अलाउ है वो उतना मुझे नहीं पता, बट मैं जैसे मैं ब्लॉग आगे कंटिन्यू कर रहा था लाइन में लगा था। लाइन में लगने के बाद जो है वहाँ पर मुझे एक पुलिस वाले ने मतलब वार्न कर दिया था, तो भी मैं सेकेंड बार में मैं सोचा कि नहीं मैं बनाऊंगा और आप लोग को जो है दर्शन कराऊंगा, मैं ये टारगेट सोच लिया था। तो क्या ही बोले, फिर से मुझे जो पुलिस वाले ने पकड़ा था वो मेरा फ़ोन छीन लिए थे वहीं पर। मैं सोचा यार ये क्या हो गया, फ़ोन छीन लिया। फिर जो वहाँ जो ब्रांच मतलब जो पुलिस जो इकट्ठा होते हैं, सो जो एक तो कोई रूम था उन लोग का, तो रूम में जो बड़े सर जो अधिकारी है उनके पास फ़ोन चल गया था कि ऐसा ऐसा है बात है, फ़ोन छूट कर था, मैं वार्निंग कर दिया। फिर मैं हम लोग गए, मतलब मैं गया, फैमिली वाले भी गए, रिक्वेस्ट किए कि नहीं 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 ऐसा है, तू यूट्यूब में चैनल ऐसे ऐसे डालता है इस टाइप का, तो अब से ऐसा नहीं करेगा। तो मुझे बहुत मुश्किल से मतलब रिक्वेस्ट किया मैं, तब जाके मुझे जो है फ़ोन मिला। और घर वाले भी बोले अब इसके आगे सूट मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिला है, क्योंकि जो मेरे साथ गए थे वो थोड़ा बहुत जो है पहचान उचान थे तो वहाँ के, तो इसलिए मुझे फ़ोन मिल गया। बहुत ज़्यादा मतलब समझ सकते हो इतना ज़्यादा, तो इसलिए मैं फ्रेंड्स जो है आगे का जो है ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। होपफुली मैं जो जितना था मैं आपको दर्शन करा दिया हूँ फ्रेंड्स, और जो भी इन देवघर के उनका जानकारी भी दे दूँ। अगर और भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बता देना। तो फाइनली इतना ज़्यादा मतलब ये ब्लॉग में मतलब मेहनत लगा, और मैं हुआ बात क्यों मुझे इसलिए लेट लगा क्योंकि वहाँ पर जो है मेरे पास जो पूरा सिस्टम नहीं था, लैपटॉप नहीं था और भी सारे जो थे पार्ट उट्स नहीं थे, तो इसलिए मुझे छत्तीसगढ़ आके मतलब अपने घर में आके ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ और यहीं पर जो है आर्ट एंडिंग भी कर रहा हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम होने के कारण मैं उस आगे का जो है ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर और कभी आपको जानकारी ना होगा तो कमेंट में बता देना, और बगल में इंस्टा आईडी है तो वहाँ पर से आपको फॉलो भी कर सकते हो, और भी कुछ जानकारी होगा तो इस आईडी में पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को अभी यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप करता हूँ आपको इस वीडियो में देवघर बाबा बैद्यनाथ हम जी दर्शन किए हो, जितने भी सब डिटेल में बता दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फुल धमक चल। हाँ भाई सब्सक्राइब कर दो यार, जो भाई सब्सक्राइब नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा ये मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। तो ठीक है, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फुल धमक से। अभी क्लियर, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।